गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 साइंस में केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट नियम क्लियर करेंगे जिसका नाम है पोपॉफ का नियम। और ये पोपॉफ का जो नियम होता है वो असममित कीटोन के ऑक्सीकरण से संबंधित होता है। तो पहली बात हमें ये ध्यान रखनी है कि पोपॉफ का नियम किससे संबंधित है, असममित कीटोन के ऑक्सीकरण से। तो चलते हैं पोपॉफ के नियम पर। जब किसी असममित कीटोन के ऑक्सीकरण से दो असमान कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं तो असममित कीटोन का जो कार्बोनिल समूह होता है यानी सीओ समूह छोटे एल्किल समूह की तरफ जाता है, इसे पोपॉफ का नियम कहते हैं। तो पोपॉफ के नियम में हमने ये जाना कि जब भी हम किसी असममित कीटोन का ऑक्सीकरण करवाएंगे तो उससे यदि हमें दो असमान कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होंगे तो असममित कीटोन का जो कार्बोनिल समूह होगा वो छोटे एल्किल समूह की तरफ चला जाएगा, इसे पोपॉफ का नियम कहते हैं। तो इसे हम एक रासायनिक समीकरण के माध्यम से क्लियर करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने यहां पर एक रिएक्शन लिखी हुई है, ये है पेंटेन टूऑन के ऑक्सीकरण की। तो ये देखिए, ये स्टूडेंट्स यहां जो आपको ये यौगिक दिखाई दे रहा है ये कौन सा है, पेंटेन टूऑन, यानी ये एक प्रकार का असममित कीटोन है। अब हम ये जान लेते हैं कि असममित कीटोन क्या होता है। असममित कीटोन वो कीटोन होता है जिसमें सीओ समूह के दोनों तरफ जो एल्किल समूह है वो असमान होते हैं। ये देखिए, ये आपको पहला जो एल्किल समूह दिखाई दे रहा है ये यहां पहला एल्किल समूह कौन सा है, यहां पर CH3। और इधर सीओ समूह के दूसरी तरफ जो दूसरा एल्किल समूह दिखाई दे रहा है वो कौन सा है, एन प्रोपिल। तो सीओ समूह के बाई तरफ मेथिल है, दाई तरफ एन प्रोपिल है। तो सीओ समूह के दोनों तरफ यहां असमान एल्किल समूह उपस्थित है, इसलिए इस कीटोन को हम क्या बोलेंगे, असममित कीटोन। और इस कीटोन यौगिक का नाम क्या है, पेंटेन टू ऑन है IUPAC में। तो अब ये असममित कीटोन का यदि हम ऑक्सीकरण करवाते हैं तो उसे हमें यहां दो कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलते हैं, दो प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलते हैं जिनमें पहला कार्बोक्सिलिक अम्ल है एथेनोइक अम्ल, दूसरा है प्रोपेनोइक अम्ल। और एथेनोइक अम्ल को हम क्या कहते हैं, सामान्य पद्धति में एसिटिक अम्ल, और प्रोपेनोइक अम्ल को सामान्य पद्धति में कहते हैं प्रोपियोनिक अम्ल। कौन सा अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल। तो देखिए स्टूडेंट्स, पोपॉफ का जो नियम है उसको हम अब दोबारा क्लियर कर लेते हैं कि सीओ समूह जो है, ये जो समूह है सीओ समूह, ये उस एल्किल समूह की तरफ चला जाता है जो छोटा होता है। तो देखिए, छोटे एल्किल समूह की तरफ चला जाता है। तो ये सीओ समूह इसका मतलब किस तरफ चला जाएगा, मेथिल की तरफ। तो सीओ समूह किसकी तरफ चला जाएगा, मेथिल की तरफ, जिससे हमें मुख्य उत्पाद पहले जो प्राप्त होगा वो होगा एसिटिक अम्ल। और ये जो बचा भाग होगा इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा किसमें, प्रोपियोनिक अम्ल में। तो इसके अलावा हमें दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या मिलेगा, प्रोपियोनिक अम्ल। तो पोपॉफ का जो नियम है वो असममित कीटोन के ऑक्सीकरण से दो भिन्न प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्ल के बनने में सीओ समूह किस तरफ, किस एल्किल समूह के साथ जुड़ता है उससे संबंधित है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको पोपॉफ का जो नियम है वो क्लियर हो गया होगा कि जब भी हम असममित कीटोन का ऑक्सीकरण करवाएंगे तो असममित कीटोन का सीओ समूह जो है वो छोटे एल्किल समूह की तरफ चला जाता है, इसे ही पोपॉफ का नियम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जो यूजर्स मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरी आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। और स्टूडेंट्स, आप मेरे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अपने वांछित टॉपिक देखें और अपनी केमिस्ट्री को स्ट्रांग करें। और साथ में प्लेलिस्ट में क्वेश्चन बैंक नाम से एक आपको फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर को जरूर ओपन कर देखें ताकि आपको पुराने जो बोर्ड पेपर हैं उनका पता लग सके कि उनके क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और उनका हल हम किस प्रकार कर सकते हैं। थैंक यू।